हाय, मैं हूं हमाद अली और हमारे कोर्स जावा फॉर बिगिनर्स का टॉपिक है अरे। अरे का जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है अरेंजमेंट से। यहां भी हम अपना जो डाटा है उसको किसी खास तरतीब से अरेंज करके रखते हैं। अरे हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। नॉर्मली हमने जितने वेरिएबल्स पहले पढ़े हैं उनमें हम एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अरे एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम इसके सिंगल वेरिएबल के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये जितनी भी वैल्यूज होंगी जो हम अरे में स्टोर करेंगे उनकी डाटा टाइप जो होगी वो सेम होगी, यानी कि सेम टाइप ऑफ डाटा को ये स्टोर करने में मदद देता है। अरेंजमेंट इसकी ऐसे होती है मेमोरी के अंदर कि एक के बाद एक एलिमेंट पड़ा होता है, दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन। जैसे कि हमने पीछे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो बॉक्सेस की अरेंजमेंट देखी है कि एक के बाद दूसरा बॉक्स पड़ा हुआ है, इसी तरह हमारे पास एरे के एलिमेंट भी कुछ इसी तरीके से अरेंज होके पड़े होते हैं। अरे को जब हम डिफाइन करते हैं तो उस वक्त हम इसको उसका साइज भी बता देते हैं। जब हम अरे को उसका साइज बता देते हैं तो हम उस साइज से ज्यादा उस अरे के एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। अगर हमने अरे को उसका साइज बता दिया तो अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स होंगे। अगर लेट्स से मैंने उसको 100 साइज दिया है तो उसके एलिमेंट्स 100 ही रहेंगे, ना 100 से कम होंगे ना 100 से ज्यादा होंगे। अगर मुझे 100 से ज्यादा एलिमेंट अरे के अंदर स्टोर करवाने हैं तो फिर मुझे एक नई अरे बनानी पड़ेगी जिसका साइज 100 से ज्यादा होगा या जितने एलिमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड है। और अगर मैं 100 की अरे डिफाइन करने के बाद उसके अंदर लेट्स से 15 और 30 एलिमेंट स्टोर करवाता हूँ तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो अरे के लिए मेमोरी में एलोकेट ही रहेंगे और वो मेमोरी उनको एलोकेट रहेगी, वो मेमोरी कंज्यूम करेंगे ऑल्दो कि हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे पड़ी नहीं होगी। अरे के जो एलिमेंट है उनको एक्सेस करने के लिए जो सिस्टम है वो इंडेक्स सिस्टम है, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो जीरोथ इंडेक्स पे होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा होगा और इसी तरह आगे से आगे चलता जाएगा। डिक्लेरेशन जो है वो अरे की बहुत सादा है। हम सिंपल डाटा टाइप डिफाइन करते हैं जिस टाइप का हमने डाटा अरे के अंदर स्टोर करना है। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, बड़ी ब्रैकेट भी बोलते हैं। उसके बाद हम अरे के वेरिएबल का नाम रखते हैं। तो ये सिंपल डिक्लेरेशन है अरे की। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो डाटा टाइप के साथ भी लिख सकते हैं। हम डाटा टाइप और अरे जो उसका वेरिएबल है उसके दरमियान में भी लिख सकते हैं स्पेस देके, और इसके अलावा हम वेरिएबल के साथ भी लिख सकते हैं। ये तीनों मेथड्स जो यहाँ पे हमने स्लाइड्स पे आपको दिखाए हैं ये तीनों लीगल हैं और वैलिड हैं जावा के लिए। इसके अलावा जब हम उसको डिफाइन करते हैं, यानी कि अभी हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, हमने बता दिया है प्रोग्राम को कि यहाँ पे हमारा जो अरे का वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो गया है, अब इस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं और इस नाम का कोई और वेरिएबल क्रिएट नहीं हो सकता। जब हम उसको डिफाइन करने लगते हैं तो फिर हम उस वेरिएबल के साथ इक्वल टू के साइन के साथ न्यू का कीवर्ड लिखते हैं, डाटा टाइप डिफाइन करते हैं और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज लिखते हैं। साइज किसका? अरे का। साइज से मुराद यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं ये है कि इस अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। उसके बाद हम अरे के हर एलिमेंट को उसकी वैल्यू साइन करते हैं। अगर हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और जब डिफाइन कर रहे होते हैं इनिशिएशन के टाइम पे ही अगर हम उसको इनिशियलाइज भी करना चाहें तो अगर हमारे वैल्यूज हमें पता हो तो उसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम नीचे
उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इंट, उसके बाद इंट से मुराद ये है कि ये जो एरे है इंटीजर टाइप का डाटा लेगी, वो किसी और टाइप का भी डाटा इसमें आ सकता है, किसी भी टाइप की एरे हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इंटीजर ले रहे हैं, इंट अरे और आगे स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वल साइन, और उसके बाद हम ब्रेसिस को यूज़ करते हैं या कर्ली ब्रैकेट्स कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद हम उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर हमने इंसर्ट करने हैं या जो भी इनिशियलाइज करवाना है जिनसे, हम उनको कॉमा सेपरेट करके लिख देते हैं। जब हम इन एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेट करके लिख देते हैं तो ये वेरिएबल जो अरे है हमारी, इन वैल्यूज के साथ ना सिर्फ इनिशियलाइज डिक्लेयर हुई, इनिशियलाइज भी हो गई और इनिशिएशन भी हो गई और इनिशियलाइज भी हो गई। इसका साइज जो है वो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा जितने एलिमेंट्स हमने इस ब्रेसेस के अंदर डिफाइन किए हैं। ठीक है जी, अब हम इसको जरा एडिटर के ऊपर भी परफॉर्म करके देखते हैं कि हम अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। जी, एडिटर में हम यहाँ पे आ गए हैं और हम सबसे पहले अरे को डिक्लेयर कर लेते हैं। हम यहाँ पे इंटीजर टाइप की अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं और हमने एक अरे का नाम लिखा है, उसके बाद अरे के आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड की हैं और उसके बाद इक्वल के साइन के बाद हम अरे का कोई ना कोई साइज डिफाइन कर देते हैं। साइज डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इनिशिएट करेंगे, उसके लिए न्यू का कीवर्ड लिखेंगे, न्यू के कीवर्ड के बाद डाटा टाइप और उसके बाद उसका साइज, लेट्स से मैंने 5 साइज रखा है और इस साइज की एरे के अंदर हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर यह हम डिक्लेरेशन और इनिशिएशन का प्रोसेस दो हिस्सों में डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको कमेंट करके दोबारा से लिख लेते हैं इंट एरे और एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 5। तो अगर आप देखें तो ये दोनों तरीके से आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट तरीके में हमने सिंगल लाइन के अंदर दोनों कमांड्स लिख दी थी और दूसरे में हमने दो लाइनों में इसको सेपरेट करके लिखा है। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक पर डिपेंड करता है कि हमने कब उसको इनिशिएट करना है और कब इसको नहीं करना। वंस अगर आपकी अरे इनिशिएट हो जाती है तो आप अरे के अंदर उसके एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसके अंदर इसके एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, अरे 0 इज इक्वल टू, लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वैल्यू 10 है और इसी तरह मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इसके सेकेंड एलिमेंट सॉरी सेकेंड थर्ड और फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास 15 है, ये मेरे पास 50 है, ये मेरे पास 30 है, ये मेरे पास 20 है, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जो मैंने इसमें डिफाइन कर दी। अच्छा, अब मैं इसको सॉरी एक और वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि मैंने एरे का साइज 5 रखा है और 0 से लेकर 4 तक 5 एलिमेंट पूरे हो गए। अब मैं इसके 5th एलिमेंट की वैल्यू असाइन करता हूँ और जब भी इसको असाइन करूंगा, लेट से कोई भी मैंने वैल्यू दे दी और जैसे ही मैं इसको असाइन करता हूँ तो ये मुझे असाइन तो करने देगा, एरर नहीं देगा, लेकिन जब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा यानी कि प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मुझे एरर देगा। लेट्स ट्राई दिस, क्योंकि हम इसकी रेंज से बाहर जा रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि इसका क्या बिहेवियर होगा। अगर आप देखें तो हमारे पास एरर आया है और उसमें लिखा है इसने इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का मतलब ये है कि एरे का जो साइज था हमने उससे बाहर वाले एलिमेंट को एक्सेस किया है। वेयर एज अब मैं यहाँ पे अगर 4 को एक्सेस करूँगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, जो उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन की हुई है। 4 के ऊपर
इंडेक्स आउट ऑफ मोड एक्सेप्शन 5 जी, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि वो कह रहा है कि अरे के आपने फिफ्थ एलिमेंट को वैल्यू असाइन की है जो कि आप असाइन नहीं कर सकते। तो ये कंपाइलर ने हमें इस लाइन पे एरर दे रहा है। अगर आप देखें तो ये लाइन नंबर 29 पे एरर दे रहा है, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं एरर पे तो ये हमें कोड में भी आके बताता है कि इस लाइन में एरर है। तो अगर मैं इस लाइन को रिमूव कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये मुझे एरर नहीं देगा और मुझे प्रॉपर आंसर दे देगा जो कि क्या है 20। अगर मैं इसके साथ एल एन लगा दूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये ऑप्शन पे शो कर देगा। यहाँ पे अगर वैल्यूज को असाइन करना हो और हमने प्रिंट करवाना हो या हमने उन वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो हम फॉर लूप को यूज करें तो हमारे लिए काफी फिजिबल रहता है। बल्कि अगर आप देखें तो ये नेचुरली इसके साथ बहुत अच्छी इसकी कंपेटिबिलिटी है एरे के साथ फॉर लूप की, कि हम बहुत इजीली इसके बहुत सारे एलिमेंट्स को बहुत लिमिटेड लाइन के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। देखते हैं कि हम फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, यहाँ पे हमारे पास एरे का एक वेरिएबल है एरे डॉट लेंथ। ठीक है, तो एरे डॉट लेंथ जो है हमें उसका साइज रिटर्न करेगा, और हमने उसका जो साइज है उससे लूप को हमेशा एक कम चलाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आई को लेस देन लेंथ से। और आई चूंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो आई को भी मैंने 0 से स्टार्ट किया, और इस तरह मैंने फॉर लूप अप्लाई कर दिया। और मैंने जहाँ पे प्रिंट के दरम्यान में जहाँ पे एरे की वैल्यू को प्रिंट करवाना था वहां पे इंडेक्स नंबर की जगह पे मैंने आई दे दिया। तो इनिशियली आई की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और जैसे ही एरे की लेंथ 4 वैल्यू लिखी हुई आएगी उस वक्त आई की वैल्यू 3 होगी, तो उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 5 एलिमेंट की जो एरे थी उसको हमने सिर्फ 2 लाइंस में या 3 लाइंस के अंदर हमने प्रिंट करवा दिया। अगर ये 50 या 500 की भी अरे होती तो हमने इतनी ही लाइंस के अंदर हमने अपनी पूरी अरे को प्रिंट करवा लेना था। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ बहुत ज़्यादा से आपको 0 नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से अगर हम सिर्फ शुरू के एलिमेंट्स ही यूज़ करते हैं और बाकी एलिमेंट को हम यूज़ नहीं करते तो वो ज़ाया जाएंगे, लेकिन एरे का साइज़ फिक्स रहेगा, हम ना तो उससे ज़्यादा वैल्यूज उसको असाइन कर सकते हैं ना ही उससे कम वैल्यूज उसको असाइन कर सकते हैं। और फॉर लूप जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे लिए एरे की ट्रेवर्सल के लिए। ठीक है जी, मेरा ख्याल है अभी तक के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। थैंक यू। Thank you.